गुलाबी ठंड के बीच एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। भाजपा सांसद छेदी पासवान के बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि सांसद छेदी पासवान ने नीतीश जी की दाऊद से हाथ मिलाने की बात कही है। इतनी घिनौनी बात वो बोले हैं, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश जी भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ आइए, सभी सेकुलर पार्टी को मिलाकर सरकार बनाती हैं और नए सिरे से काम करते हैं। बता दें कि भाजपा सांसद छेदी पासवान ने बयान किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इस बयान के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आश्चर्य है, अभी कुछ दिनों पहले देखा मैंने कि प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी ने कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल से आपको अधिक बिहार को पैसा दिया जाता है, विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। फिर अभी देखा आदरणीय छेदी पासवान जी सांसद है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को 2.5 साल जदयू को रहना चाहिए, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी को रहना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। और यह भी कह दिया, बड़ा दुर्भाग्य है, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, लगता है वो सुने नहीं होंगे, कहता है कि वो सत्ता के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। इतना घिनौनी बात, इतना नीचे की बात को एक सांसद सोच के बोले मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोले ना। मैं तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ दबाव में काम कर रहे हैं, तो आइए मिलजुल के फिर एक सेकुलर पार्टियों को सबको मिला के एक सरकार बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। दबाव में रहिएगा भारतीय जनता पार्टी के, तो विकास इससे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप आइए और फिर से नए सिरे से सेकुलर पार्टियों को मिला के, चूंकि आप सेकुलर मिजाज के लोग हैं, फिर से बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। भागलपुर औद्योगिक थाना जीरो माइल चौक पर देर शाम हाईवे और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार के पैर में बुरी तरह कुचल गए। दरअसल सवार की ओर से आ रही हाईवे की चपेट में एक स्कूटी सवार आ गया और ट्रक के नीचे दबकर कई फीट तक घसटता चला गया, जिससे उसका आधा पैर कटकर अलग हो गया। घायल को आनन फानन में जीरो माइल थाने की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हाईवे चालक पुलिस की गिरफ्त में है। स्थानीय लोग इस घटना को देखकर सदमे में आ गए और जीरो माइल चौक पर अफरा तफरी मच गई। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मीडिया है ये। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? वो स्कूटी वहाँ पे स्पीड से आ रहा था, एक टर्न मारा। हाँ। टर्न मारा तो इनका स्कूटी फंस गया। हाँ। फंस गया, जब बोल रहे हल्ला कर भी रहे, रुक जा आदमी फंस गया। हाँ। देख के जब तक वो घिसते कितना लोग था स्कूटी पर? एक ही आदमी था। एक ही लोग था, ट्रक वाला भाग रहा था फिर? अच्छा, किधर से आ रहा था ट्रक? ट्रक उधर से, मतलब पुल पर से आ रहा था? इधर से, इधर सबौर साइड से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंजन। ठीक। ऐसी फ्रॉस्टिंग देखी क्या? केक सज्जा का अनोखा भंडार, चॉकलेट वाली फ्रॉस्टिंग पर कतरी चॉकलेट का मजा, जिलेटिंग वाली आइसिंग पर किंगडम वाली जिमीज, मिस्टर एंड मिसेस का वेडिंग केक या फिर बच्चों का कोको केक, राजधानी केक एंड बेक पैलेस देखा क्या? गोड्डा के गंगटा में है हम, अब जल्दी आ भी जाओ, केक सच कर है तैयार।